हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के शुरू में मैं एक छोटी सी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ जबरनी की 24 इंच डिस्प्ले, जो काफी स्लिम आती है। आपने फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे बहुत सारे एड्स देखे होंगे, तो खरीदने से पहले इस वीडियो को वो जरूर देख ले कि आपके लिए वो यूजफुल है या आपके यूज में आप उसको यूज में ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपरली बताने वाला हूँ। आईपीएस पैनल के अंदर नहीं है, वीए पैनल के अंदर है, बट डिस्प्ले की क्या क्वालिटी है, क्या रहने वाली है, किस टाइप से डिजाइन है और क्या क्या हमें पोर्ट मिलने वाले हैं, सारा का सारा है वो इस वीडियो के अंदर है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो चलिए देखते हैं और अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आने वाला है वो सारा का सारा मैं यहाँ से इस वीडियो के अंदर है वो दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इस बॉक्स को वो ओपन कर लेता हूँ। ऐसे ही बॉक्स खोलते हैं तो आपको एक पावर केबल मिलने वाली है, एक वीजीए केबल मिलने वाली है और एक है वो ऑक्स मिलने वाली है, जिसे आप डेस्कटॉप से है वो एलसीडी के अंदर है वो कनेक्ट कर सकते हो, और एक है वो उसका पावर एडेप्टर है वो मिलने वाला है। तो इतना सामान है वो इसके अंदर आने वाला है। उसके बाद में आपको एक स्टैंड मिल जाता है, वो भी एकदम मेटल का है और बढ़िया क्वालिटी का स्टैंड है, और उसको आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, एक स्क्रू की मदद से यहाँ पे आपको उसको टाइट से कसना है। किस तरीके से वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ से इस कॉर्नर को कॉर्नर में मिला के, ये देखिए ये कॉर्नर मिला के और यहाँ पे ये टाइट हो गया और यहाँ पे ये स्क्रू है वो कस लेना है। तो ये स्टैंड हो गया अपना रेडी। ठीक है, तो अब स्टैंड को मैं एक बार साइड में रखता हूँ और बात करते हैं अपने एलसीडी की। तो एलसीडी में क्या क्या आने वाला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैं जैसे एलसीडी को ओपन करता हूँ तो एलसीडी है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखने को मिल रही है। अब इसमें कनेक्ट वाले क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये रहा पावर केबल, ये रहा ऑक्स, ये वीजीए और एचडीएमआई। वीजीए और एचडीएमआई दोनों आपको ऑप्शन मिलते हैं, दोनों से आप वो कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं सिंपली स्टैंड को यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो ये मैंने पूरा स्टैंड है वो लगा दिया। अब मैं आपको एलसीडी की क्वालिटी कैसी है, किस तरीके की क्वालिटी है वो मैं आपको यहाँ से ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो काफी स्लिम है आप देख पा रहे हो और एकदम फ्रेमलेस है, पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्प्ले है, कोई भी फ्रेम है वो नहीं है, पूरा का पूरा फ्रेमलेस है। फ्रेम बस देखने को मिलता है सिर्फ इतना, जो जबरनिक ब्रांड वाला ये है इतना फ्रेम मिलता है और पूरा का पूरा है वो फ्रेमलेस है। पीछे की क्या क्वालिटी है वो भी मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ। पीछे से कुछ इस तरीके से लुक है वो आने वाला है, इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हो, ऊपर नीचे जिस तरीके से करना चाहो। ठीक है, और पूरा डिस्प्ले है वो मैं आपको प्रॉपरली चेक करा देता हूँ, चारों साइड से वो डिस्प्ले चेक करवा देता हूँ। अब डिस्प्ले को मैंने आपको प्रॉपरली वो चला के दिखाई दिया है चारों साइड से। अब मैं बात करता हूँ इसको ऑन करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं डेस्कटॉप से इसको कनेक्ट करता हूँ, तब तक के लिए मैं वीडियो को वो पोज करने वाला हूँ, उसके बाद ऑन करके दिखाता हूँ आपको इसकी क्लियरिटी है वो कैसे मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को पोज करता हूँ, आगे दिखाता हूँ। मैंने पूरा सेटअप है वो सेटअप कर लिया है। अब मैं आपको कंप्यूटर है वो ऑन करके दिखाता हूँ डिस्प्ले का रेजोल्यूशन क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने डिस्प्ले को वो सीपीयू से कनेक्ट कर लिया। अब मैं आपको एक यूट्यूब पे कोई भी एक वीडियो चला के दिखाता हूँ, जिससे हम क्या है क्वालिटी कंपैरिजन कर सकें। चारों साइड से एंगल से देखने वाले हैं, किसी भी टाइप से कोई भी एंगल में क्वालिटी में फर्क आता है तो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखते हैं किस तरीके से क्या इसकी क्वालिटी है, क्या क्या हमें कुछ मिलने वाला है। रेजुलेशन थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसका, ताकि हमें क्वालिटी प्रॉपर पता चल सके। तब देखिए मैं हर एंगल से आपको कैमरा रोटेट करके दिखाने वाला हूँ, कहीं पे भी आपको क्वालिटी ऐसे लगे कि इस एंगल से क्वालिटी लो आ रही है या उस एंगल से क्वालिटी डिफरेंट आ रही है। वैसे तो वीए पैनल के अंदर है बट आईपीएस पैनल के बराबर ही कंपैरिजन हो रहा है इसका, जैसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है इस डिस्प्ले के अंदर। मानो कि आईपीएस पैनल डिस्प्ले ही आप चला रहे हो। बहुत ही शानदार रिव्यू मिलता है, किसी भी एंगल से आप इसको देख लो, बहुत ही सुपर कंडीशन के अंदर है। तो बहुत ही शानदार डिस्प्ले है इसको, थोड़ा बहुत इसमें जो आईपीएस पैनल के बराबर तो मैं नहीं बोल सकता बट आईपीएस पैनल से कम भी नहीं है।
आप किसी भी एंगल से देखोगे थोड़ा सा आपको फर्क नजर आएगा, बाकी कोई फर्क है वो नहीं नजर आने वाला। बस साउंड है वो थोड़ा बेटर नहीं है, बाकी साउंड आप बेटर लेना है तो आप एक्स्ट्रा स्पीकर लगा सकते हो, बट डिस्प्ले है वो बहुत ही शानदार है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। ऐसे ही टेक्निकल से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।